नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में पेट 2023 एग्जाम के लिए जीके डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मोर, मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है खीरी एवं संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 8 से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 4। उत्तर प्रदेश का राजकीय राज्य पक्षी सारस है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी यूपी SI हो गया या यूपी पेट हो गया या लोअर PCS होगा, किसी न किसी एग्जाम में ये यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने बस 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के रूप में जाना जाता है? कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। UPP पुलिस पे पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। एक बार उत्तर प्रदेश का ये मैप देख लीजिए, ये सहारनपुर है और ये ललितपुर है, ये सोनभद्र है, ये बलिया है और ये कुशीनगर है, ये बलरामपुर सिद्धार्थनगर पीलीभीत बिजनौर और मथुरा आगरा। उत्तर प्रदेश का ये मैप। उत्तर प्रदेश का क्या भौगोलिक विन्यास? शिवालिक तल हटी और भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का द्वाब। इस तरह से मैप में याद रखेंगे कि ऊपर वाला शिवालिक के तलहटी है और फिर नेपाल के बॉर्डर के साथ है भावर एवं तराई का ये रीजन है और गंगा यमुना, गंगा यमुना बीच का, गंगा यमुना का द्वाब है ये बीच वाला और ये दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण में पड़ता है तो ये पठारी प्रदेश हो गया। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7 है। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बलिया। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उड़ीसा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? महोबा।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है 7.3%। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, जो नेपाल के बॉर्डर के साथ उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे ऊपरी वाला भाग है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, और बीच वाला उत्तर प्रदेश का वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन पाए जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, जो नेपाल के बॉर्डर के साथ उत्तर प्रदेष का जो उत्तरी भाग है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे ऊपरी वाला भाग है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, और बीच वाला उत्तर प्रदेश का वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ अति अल्प वर्षा क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पर निम्न वर्षा क्षेत्र है, ये मध्य वर्षा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया हाट। चंद्र प्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर अवस्थित है? जनपद चंदौली। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कॉर्बेट। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान या जनपद में स्थित है? मथुरा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। कौन सा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज। शिखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र वनाच्छादन वृक्षादन मात्र 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है कहाँ पे? इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित वन जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 को निगम स्थापित किया गया था। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़। उत्तर प्रदेश वर्षा वितरण है, ये यहाँ पर ऊपरी वाले क्षेत्र में मध्यम वर्षा होती है, नीचे वाले में निम्न वर्षा होती है, और नीचे वाले में अल्प वर्षा होती है। जो उत्तर प्रदेश का बीच वाला भाग है वहाँ पर निम्न वर्षा होती है, और उत्तर प्रदेश का ऊपरी वाली भाग नेपाल के बॉर्डर वाला भाग वहाँ। किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर झांसी में। लवण प्रभावित मृदाएँ मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। न्यूनतम वन
क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला, प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, जो नेपाल के बॉर्डर के साथ उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वती वन पाए जाते हैं, ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखेंगे ऊपरी वाला भाग है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वती वन, और बीच वाला उत्तर प्रदेश का वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वती वन पाए जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, जो नेपाल के बॉर्डर के साथ उत्तर प्रदेष का जो उत्तरी भाग है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वती वन पाए जाते हैं, ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखेंगे ऊपरी वाला भाग है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वती वन, और बीच वाला उत्तर प्रदेश का वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वती वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ अति अल्प वर्षा क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पर निम्न वर्षा क्षेत्र है, ये मध्य वर्षा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया हाट। चंद्र प्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर अवस्थित है? जनपद चंदौली। विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कॉर्बेट। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान या जनपद में स्थित है? मथुरा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। कौन सा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज। शिखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र वनाच्छादन वृक्षादन मात्र 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, कहाँ पे? इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित वन जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 को निगम स्थापित किया गया था। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़। उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, गंगा के सहायक नदियां देखते हैं यमुना नदी और रामगंगा, गोमती नदी, शारदा नदी, और इधर से टोंस नदी। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां देखते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब शारदा नदी की सहायक नदियां देखते हैं। शारदा नदी ये रही, ये वह रही शारदा नदी, इसकी सहायक नदियां देखते हैं घाघरा नदी, राप्ती नदी और नारायणी नदी। ये है समस्तपुर पश्चिम बिहार, कहाँ पे है? रायबरेली में। नवाबगंज पश्चिम बिहार सबको पता होगा, उन्नाव में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरदोई में है सांडी पश्चिम बिहार, और गोंडा में है पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, और बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? यहाँ पे है। और समान पश्चिम बिहार है मैनपुरी में। इटावा में सरसई नवार झील है। आगरा में सूर सरोवर है। बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नौरारा तक।
मुजफ्फरपुर नगर हैदरपुर आदि भूमि मुजफ्फरपुर व बिजनौर की सीमा पर स्थित है। रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुरीसर मानसर झीलें। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? चंदौली। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में कृषक समाधि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जत नगर बरेली। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल है राई एवं सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य शोध कार्य प्रदर्शन कार्य एवं बीज गुणन कार्य। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। आमले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज है गन्ना। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं आलू गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा यूपी। उत्तर प्रदेश के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं आलू गन्ना। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना आलू। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? चावल। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान का। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान मक्का गेहूं। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? गेहूं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का। किस उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के। भारत में मेथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90%। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, मटर और जौ। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन भारत का स्थान था पहला। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? गाजीपुर। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उत्तर प्रदेश उपयुक्त समय कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है प्रथम? उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए, काला नमक। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है शुद्ध देसी घी का। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। सरपत, क्या सरपत? कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई जा नहीं जाती है? कपास। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 25 से 40% उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FDI, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये वाला सच नहीं है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है सिद्धार्थ नगर। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के .. जिले में पाई जाती है जौनपुर। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले से अद्भुत मानी जाती है? वाराणसी। किस उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के। भारत में मेथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90%। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, मटर और जौ। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन भारत का स्थान था पहला। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? गाजीपुर। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। किस्म की बुआई का उत्तर प्रदेश उपयुक्त समय कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है प्रथम? उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए, काला नमक। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है शुद्ध देसी घी का। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। सरपत, क्या सरपत? कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर
या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है कपास। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 25 से 40% उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FDI, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये वाला सच नहीं है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? सिद्धार्थनगर। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के .. जिले में पाई जाती। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले से अद्भुत मानी जाती है? वाराणसी। हम उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुत देसी नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थित बांध ओहरारा अडवा और बघेलखंड। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुत देसी परियोजना कौन सी है? रिंद परियोजना। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नलकूप। उत्तर कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा। उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? सोवियत रूस। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राम गंगा बांध। ये सारे क्वेश्चन यूपी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राम गंगा बांध। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुत देसी परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षा जनक। अब मैप से समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, बिजनौर में कौन कौन से हैं। अफजलगढ़ रामगंगा, हरवली रामगंगा, मधगंगा बैराज गंगा नदी पर। अब पीलीभीत में देख लीजिए वनवासा बैराज शारदा नदी पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लखीमपुर खीरी सोहेली बैराज सोहेली नदी पर। बहराइच, ये बहराइच है, बहराइच में देख लीजिए घाघरा नदी पर गिरजा बहराइच है। श्रावस्ती, ये श्रावस्ती रहा, श्रावस्ती में कौन सी, पहले श्रावस्ती में नदी पता होना चाहिए, राप्ती नदी, राप्ती बैराज है। अब सिद्धार्थ नगर बनगंगा बैराज राप्ती नगर। वाराणसी में कौन सा, अहरौरा बांध गहराई नदी पर है, अहरौरा बांध। चंदौली में कौन सा बांध है, मूसाखंड बांध कर्मनासा नदी पर, और चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर। याद रखना सोनभद्र में कौन सा, कहनार बांध कहनर नदी पर है, कहनार नदी। पहले नदी पता होगा तो वहाँ पर लगभग बता सकते हो आप। जयपुर में जिंगो बांध जिरगो नदी पर, जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरौरा बांध गहराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर, अधवा बांध अधवा नदी पर, सिरसी बांध बघेर नदी पर। अहरौरा बांध याद करके। ललितपुर के देख लेते हैं, जामनी जामनी नदी, रोहिणी रोहिणी नदी, सहजाद सहजाद और गोविंद सागर सहजाद
सजनाम सजनाम राजघाट बेतवा। हमीरपुर में मैदा बांध ब्रह्मा नदी पर। झांसी में बेतवा नदी परीक्षा बांध और माता टीला और सुकमा डुकमा बांध। माता टीला परीक्षा बांध एग्जाम में पूछा जा चुका, सुकमा डुकमा बांध भी पूछा जा सकता है। पथराई और सुकनाई नदी पर स्थित है पथराई बांध। हमीरपुर में देखते हैं महोबा में सलारपुर करदिया नदी पर अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पर महोबा वाला ये सलारपुर बांध महोबा नदी महोबा में है। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण परियोजनाएं तथा साथ ही में उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण सिंचाई बांध अदवा बांध अडवा मिर्जापुर, अहरौरा बांध गहरई मिर्जापुर, अर्जुन बांध अर्जुन महोबा, औछर बांध औछर चित्रकूट, चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा चंदौली, चित्तौड़गढ़ बांध बलरामपुर डोंगरी बांध पहुँच झांसी गोविंद सागर बांध सहजात ललितपुर, गुंटा बांध गुंटा नाला चित्रकूट, जामनी बांध जैमिनी ललितपुर, मेजा बांध बेलन मिर्जापुर, नगवा बांध कर्मनाशा सोनभद्र, रोहड़ी बांध रोहड़ी ललितपुर, सलारपुर बांध करदिया महोबा। सलारपुर बांध ये एग्जाम में पूछा गया था। सपरार बांध सपरार झांसी, शारदा सागर बांध शारदा पीलीभीत, सहजात बांध सहजात ललितपुर। कैप्सूल प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है, कहां पर? रायबरेली में। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी ग्रेटर नोएडा में। कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? भदोही। गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यूपी SIDC का मुख्यालय है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऑटोवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? फिरोजाबाद। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आमला। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था बृहत नोएडा में। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं सेवाओं में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडालको की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट सोनभद्र। सीमेंट के कारखाने चुर्क एवं ढाला सोनभद्र। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर।
ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र झांसी मेरठ है। कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा मेरठ कानपुर लखनऊ प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडवाडी वाराणसी। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली मनकापुर गोंडा नैनी प्रयागराज। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर। तेल शोधक कारखाना मथुरा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को रेनिकूट। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज। सीमेंट कारखाना चुरकडाला सोनभद्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर कोरबा अमेठी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ। उर्वरक कारखाना गोरखपुर गोंडा फूलपुर प्रयागराज कानपुर आमला बरेली। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग कालीन एवं दरिया मिर्जापुर भदोही आगरा वाराणसी बरेली। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कालीन एवं दरिया के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कंबल के लिए मुजफ्फरनगर नजीबाबाद लावड़ मेरठ। रेशमी साड़ियां वाराणसी। चिकनकारी का काम लखनऊ। जरी व चिकन पर गोटे का काम लखनऊ एवं वाराणसी। पीतल एवं अन्य धातु उद्योग पीतल की मूर्तियां मथुरा में। पीतल के बर्तन मुरादाबाद वाराणसी मिर्जापुर। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी मुरादाबाद एवं मिर्जापुर। लोहे के बाँट सहारनपुर आगरा। ताला उद्योग अलीगढ़। चाकू उद्योग रामपुर। कैंची उद्योग मेरठ। लकड़ी एवं फर्नीचर तथा अन्य उद्योग लकड़ी के खिलौने लखनऊ व वाराणसी। याद रखना खेल का सामान मेरठ व आगरा। बेंत की झड़िया बरेली। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर एवं नगीना। मिट्टी के खिलौने आगरा आजमगढ़। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। हाथ से कागज बनाना मथुरा कालपी जालौन। हाथ की छपाई फरुखाबाद। कत्था उद्योग बरेली। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गिफ्ट निफ्ट रायबरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। अब याद कैसे रखेंगे विश्व विज्ञान और वनस्पति औषधि से संबंधित हैं ये लखनऊ में हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी भी विश्व इसमें औषधियों में आ जाती है इसमें, तो चारों लखनऊ में याद हो जाएंगे। ये जेनेटिक इससे संबंधित है तो लखनऊ में ये याद रख लेना। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट फैशन के लिए बरेली में झुमका गिरा, तो झुमका से यहाँ याद रखना। ये पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली। पक्षी इज्जत नगर। पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर, राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान आगरा, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर भदोई, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी रिसर्च वाराणसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, टेक्सटाइल के लिए कानपुर फेमस है, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफ इटावा में अभी अखिलेश की सरकार है। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना, न्यूनतम औद्योगिक विकास दर 9वीं पंचवर्षीय योजना, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर, अफीम कारखाना गाजीपुर, ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी मेरठ में है, कोयला खनन उद्योग सिंगरौली सोनभद्र में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में है, बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है, टेराकोटा उद्योग गोरखपुर में है, दिया सिलाई उद्योग बरेली सहारनपुर, याद रखे चलेंगे प्रयागराज मेरठ रामपुर। एग्जाम कैप्सूल, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है, रिंद बांध, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना, रिंद बांध पर, बेराइट्स तथा एंडालूसाइट, बेराइट तथा एंडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, 1983 में, खनिज, उत्तर प्रदेश में कहां कहां खनिज पाए जाते हैं, प्रमुख क्षेत्र कोयला सिंगरौली सोनभद्र, बॉक्साइट चित्रकूट बांदा वाराणसी ललितपुर, चूना पत्थर गुरमा कनाज बाबूहारी मिर्जापुर एवं कजराट सोनभद्र, कांच बालू शंकरगढ़ लोहा लोहारगढ़ प्रयागराज, प्रयागराज के पास लोहारगढ़ है वहां पर कांच बालू पाया जाता है, बरगढ़ और चित्रकूट अलीगढ़, अलीगढ़ में भी कांच बालू पाया जाता है, साथ साथ में यहाँ पर ताले के लिए फेमस है, एंडालू साइट मिर्जापुर सोनभद्र, पैराइट सोनभद्र बांदा खेल खड़ी झांसी, हम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र और प्रकार और कार्यशील संस्थापित क्षमता मेगावाट में है, ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में है जो कोयला आधारित है, 1820 कितनी 1820 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, डांडा अंबेडकर नगर कोयला आधारित है 440 वाट, ऊंचा हार रायबरेली कोयला आधारित है 1050, सिंगरौली सोनभद्र कोयला आधारित 2000 वाट, रिंद सोनभद्र कोयला आधारित 3000 वाट, औरैया गैस आधारित है 663 आधारित है, दादरी गौतम बुद्ध नगर गैस आधारित है 829 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। एग्जाम कैप्सूल, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन
प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार। उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? मेरठ से प्रयागराज यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वर्तमान में NH19। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है प्रयागराज इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? बस्ती। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग 302 किलोमीटर। GT रोड नहीं गुजरती है अलीगढ़ से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। ये वाले गलियारे कहाँ? ये झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है? ट्रांसपोर्ट नगर से चाहबारबाग। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। नरसिंह की सबसे ऊंची सैलोत की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? दुधई। घोषताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा, ग्रेटर नोएडा। देश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता। ये पहले दो था लेकिन अब इसका नाम 19 हो गया। कितना? 19 हो गया। आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई। आगरा से ग्वालियर होते हुए इंदौर, नासिक, मुंबई जो जाता पहले उसका नाम 3 था, अब वो 44 हो चुका है। कितना? 44 हो चुका है, याद रखना। वाराणसी, मनगवां, रीवा, कन्याकुमारी। वाराणसी से जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था कन्याकुमारी तक पहले 7 था, अब उसका नाम 35 कर दिया गया है। कितना? 35 कर दिया गया है। आगरा, जयपुर, बीकानेर। आगरा से जयपुर और बीकानेर को जाने और पहला उसे 11 कहते थे, अब 21 हो गया है। दिल्ली, बरेली, लखनऊ। दिल्ली से बरेली और लखनऊ को जाने वाले रोड का नाम पहले 24 था, अब 9 कर दिया गया है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी। पहले उसका नाम 25 था, अब उसका नाम 27 कर दिया गया। झांसी, सागर 26 था, अब 44 कर दिया गया। इसे रेल परवान। कुल 9100 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ उत्तर प्रदेश का कुल रेल पथ लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान। देश के 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोनों की लाइनें प्रदेश में होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल वे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में एवं दूसरा गोरखपुर है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा लोको यार्ड मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में स्थित है। रेल संस्थान स्थिति डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मानवाडी वाराणसी, रेल रिपेयर कोच गोरखपुर, रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली, याद रखना है। ओके। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज इलाहाबाद, रेलवे संग्रहालय वाराणसी, बिजली प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद, रेल संरक्षा आयोग लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिसिटी स्वीकृत हो चुका है। लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा प्रयागराज में मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी। हवाई अड्डा कहाँ पे? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बावतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में।
बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, सर सावा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर, झांसी हवाई अड्डा झांसी, गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर, बरेली हवाई अड्डा बरेली, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, हल्दिया प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग एक गंगा नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है हल्दिया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी 1972। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2003 में लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 नोएडा में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली। एग्जाम कैप्सूल 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है हुलास। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था खुदीराम बोस। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था हुसैन शाह। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था एम ए अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था कालिंजर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था राजपाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ 1797 ईस्वी। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1833 ईस्वी में। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था राजा चेत्र सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया गया था मदारी पासी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ 1936 ईस्वी में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था एन जी रंगा। अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्माण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है पटियाली। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैस का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है भृगु। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैस शहर में स्थित है लखनऊ में रूमी दरवाज़ा स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में छिछौछा दरगाह शरीफ स्थित है अम्बेडकर नगर में।
कि चौचा दरगाह शरीफ अम्बेडकर नगर में स्थित है। भव जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है मथुरा जौनपुर में। डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। इब्राहिम सरकी उत्तर प्रदेश के डैश डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। सारनाथ परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म हुआ था गोरखपुर। वर्ष 1897 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे नाना साहेब। अवध की सियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समय होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। बेगम हजरत महल। किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था, चित्तू पांडे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉक्स कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जौनपुर। अवध राज जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी, नवाब। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले में है, बस्ती में। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश डैश में है, बिठूर। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था, बुंदेलखंड। 6वीं सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था, बुंदेलखंड। राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, कन्नौज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आस पास के क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है। सुरसेन उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भितरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है, कानपुर। राज में स्थापित मुगलकालीन स्थापत्य प्रमुख स्थापत्य स्थिति निर्माता जामा मस्जिद संभल बाबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला प्रयागराज अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। खास महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल आगरा अकबर ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा नूरजहां। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर ने बनवाया था। न्याय की जंजीर आगरा जहांगीर ने बनवाया था। ताजमहल आगरा शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। अकबर के नौ रत्नों में से टोडरमल का संबंध सीतापुर से तथा बीरबल का संबंध कालपी से था। एग्जाम कैप्सूल। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है, फैजाबाद। प्रसिद्ध नैमसर्ड तीर्थ जनपदों में से किस एक में से एक में उपस्थित है, सीतापुर। यूपी SSSP 2022 सेकेंड शिफ्ट और UPPCS 2002 में ये पूछा गया है, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ है 1975-76 से। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तेरह ताल। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है फगुआ। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जैता। गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, नौचंदी का मेला।
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है उसकी बिक्री। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 12वें वर्ष। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1964। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन में होता है? 31वें दिन। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। अमीरसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZ PC जैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो संगीत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खली बोली। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC जैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियां की मजार स्थित है प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है आगरा में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चरकुला कर्मा पांडव। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत हैं बिरहा चैती ढोला। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? चरकुला। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है ख्याल और बाज लखनऊ। लोक नृत्य रहोला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है रवाला नृत्य बड़ैया नृत्य और राई नृत्य। मुख्य लोक नृत्य है धोबिया राई सहरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का लोक गीत है रसिया बिरहा एवं कजरी। ढोला लोक गीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है कौसाम्बी। चुनारगढ़ में अनूप वेद का जिनकी वे हैं भर्तृहरि। किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राशि घाट मिलेंगे? 80 घाट मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट वाराणसी। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है?
वृंदावन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन। 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर वृंदावन। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बदाऊं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर मर गए थे। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ रामभर स्तूप है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है सांची। बादाम अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, यह काम मुख्य रूप से बादाम बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है कार चोबी। उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। नौटंकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। बृहस्पति। ब्रोकडेट की प्रसिद्ध कलाकृति है वाराणसी। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? आगरा। हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोक गीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है झूला। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। दुम पुस्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया व्यंजन पकाने की विधि। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है? दस्तरखान। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? बरसाना। बधाई कौन सी विधा है बुंदेलखंड का लोक संगीत? उत्तर प्रदेश का प्रमुख संगीत है ब्रहा। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत का गुणगान करता है? रसिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? आगरा। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में डैश डैश के उदाहरण हैं लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तेल के दीपक। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। चरकुला। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कठपुतलीना। किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? सोहर। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है गिद्दा नृत्य। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने डैश उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। प्राण प्रिया। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? रवि। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्जापुर। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे पंडित किशन महाराज। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज से था? सिद्धेश्वरी देवी। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ताजमहल।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी। किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला की उत्कीर्ण किया था? 2017। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? जहांगीर है। और उर्दू। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? लखनऊ। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है डंडे। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है मकर संक्रांति। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश डैश द्वारा रखी गई थी बाछू खान। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? बनारस। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? फरुखाबाद। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश डैश से संबंधित है? इटावा। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। नौचंदी मेला। डैश डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुश्तरी बाई। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सौरा। सहरा सहरा सहरा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश डैश द्वारा कराया गया। शाहजहाँ। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दुआब। प्रसिद्ध सूफी संत डॉट डॉट के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दारगाह उत्तर प्रदेश के डैश डैश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश डैश द्वारा किया गया। रानी अहल्याबाई। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत। एग्जाम कैप्सूल। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फरुखाबाद। रामायण के रचयिता वाल्मीकि के आश्रम कहाँ था? ब्रह्मावर्त। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? लोकनाथ इलाहाबाद। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ब्रजभाषा। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? वाराणसी। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डॉट डॉट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। उसका नाम था बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश महिलाओं संबंधित पहली पत्रिका डॉट डॉट 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वाल बोधनी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपत शाह है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता? मुंशी प्रेमचंद। राष्ट्रीय कवि मैत्री शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में हुआ था? झांसी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले में हुआ था? एटा। गोदान डॉट डॉट द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेम। एग्जाम कैप्सूल। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? चेरो। अगरिया बेगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में योगाग्रह प्रथा प्रचलित है? भोटिया। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सीतापुर।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? बुक्सा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू जनजाति। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? माहीगीर। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं खरवार। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आश्रित करती है? जौनसारी। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तडवी। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003 में। भारत में अनुसूचित जातियां कुल जनसंख्या की 8.9% है। भारत की कुल जनजातियों का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां गोंड, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, माहीगिरी एवं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां बिजनौर में कौन है? माहीगिर और बुक्सा, याद रखना। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इसमें कौन सी थारू जनजाति पाई जाती है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, थारू जनजाति पाई जाती है। देवरिया, बलिया और गाजीपुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में खरवार जनजाति पाई जाती है। ललितपुर में सहरिया, सोनभद्र में कर्मा, परिया, बैगा, पंखा, पनिका, अग्रिका, पठारी, चेरो, भुया, खरवार, ये सब सोनभद्र में पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, पंखा, खरवार, वाराणसी, चेरो, वाराणसी। उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी, 2014 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, एनी बेसेंट। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, बदाऊं एवं पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 2007-08। कन्हैयालाल और माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर B.R. अंबेडकर पर रखे गए हैं? 2। राज विश्वविद्यालय हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। उत्तर प्रदेश से प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में।
उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसमें प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1967। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? मेरठ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। एक नॉन सी एस आई आर संस्थान जो लखनऊ में यूपी में स्थित है IISR। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वह जगह है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? वाराणसी अयोध्या। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1916 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? लखनऊ। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बरेली। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है लखनऊ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। BHU किस शहर में स्थित है? वाराणसी। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें अन्य छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? फैशन डिजाइनिंग। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्रीय केंद्र में स्थित है लखनऊ। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद। कानपुर में 1996 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। वाराणसी की स्थापना किसने की? शिव प्रसाद गुप्ता। किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आगरा। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग मूर्तिकला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों के कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया ललित कला अकादमी। कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड का नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में भी? 1959। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1887। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? 2011। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर।
उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? 1927 में। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो डैश डैश में स्थापित किया गया था 1863। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थित है? आगरा का किला। यदि डब्ल्यूवर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं, तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 5। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? लखनऊ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश डैश में स्थित है? गोरखपुर। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? सारनाथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? मेरठ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? कानपुर। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह डैश डैश में स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी झांसी। हेतु प्रमुख प्रदेशी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1923, छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1966, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में स्थित है 1975। काशी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी तथा वर्ष 1995 में इसका नाम परिवर्तन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में राम मनोहर लोहिया विश्व राष्ट्रीय विश्वविधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ 2009। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ 2008। राजेंद्र प्रताप रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016। APJ अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय लखनऊ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। मदन मोहन मालवीय विश्व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर 2015 में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफी इटावा 2016 में। हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 2016। मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफी इटावा। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा। कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1974। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था एग्जाम कैप्सूल। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश से मूल वर्धित कर बैट लागू व 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? वह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, राष्ट्रीय चैम्बर
ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश के व्यापार पर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? लखनऊ। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? जाट। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है? इतर वैवाहिक मामले। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद है काशी। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन किस वर्ष में अस्तित्व में आए? 1937। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? होरमा सजी फरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्र भानुगुप्ता। उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। राम नाइक ने बस डैश में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ली 2014 में। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? अलीगढ़। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विश्वंबर दयाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1976। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? थे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक था? गौतम बुद्ध नगर। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान था 2रे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी विमानन को। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई? 1090 1090 1090। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? 1947 से 1949। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रेस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश के बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? फरोज शाह मोदी।
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? शामली। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1968। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद .. में सृजित किया गया 1975 में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में आयकर आयोग का पद सेवा में किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त या सचिव। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, किस जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल? 18। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा डैश के समान होता है, IG। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? कृषि भूमि कर, जल कर एवं गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया था? 1803। शून्य शुल्क पर चीनी की आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दीजिए? निर्यात एवं आयात लाइसेंस से। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल? 18। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6। उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 18822। कानूनी सूफी नेसिस सिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा का अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तालिका स्तर पर उसके नाथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है उप पंजीयक। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है भाषा परीक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6। उप निरीक्षक नापुका नियुक्त अधिकारी अब कौन है? पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र। उत्तर प्रदेश आर्म कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ किसके कार्यकाल की मोहर लगी होती? पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। एग्जाम कैप्सूल। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है क्लास 12th। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना UP-DSP प्रायोजित की गई केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2017। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? मजदूरों के लिए। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। वोमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई 15/11/2012 को। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण से। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? सीतापुर।
आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? 26 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश में किसान भई योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकेंड हेतु है जनपद जो परियोजना के लिए चयनित नहीं, सीतापुर। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से सड़कों के। रिलायंस किस एक राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? उत्तर प्रदेश। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई सितंबर 2002। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? 15 में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है आमला में। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डैस के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। उत्तर प्रदेश में डैस हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी कुपोषण दूर करने के लिए। किशोरी बालिका योजना बस डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है 300 दिन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश को डैश स्थान प्राप्त है पहला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रारंभ की गई? 30,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? नोएडा में। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को किया गया था गोरखपुर से शुरू किया गया था। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मजदूरी दी है? सिडबी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है जालौन को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया? 1988। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? गंगा हरितम। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। उत्तर प्रदेश पुलिस का सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। जिला उत्पाद आगरा चमड़े के उत्पाद के लिए फेमस है। प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी। बलिया
बिंदी उत्पाद के लिए फिरोजाबाद, कांच का उत्पाद के लिए फेमस है मैनपुरी, तास कसी कला, हाथरस, हींग प्रोसेसिंग के लिए कौशाम्बी, खाद्य प्रसंस्करण केला, एटा है घुंघरू और घंटी पीतल उत्पाद के लिए, कासगंज जरी और जरदोजी। मथुरा है बाथरूम फिटिंग्स एवं सिंगार मूर्ति कंठी माला के लिए, अलीगढ़ है ताले और हार्डबेल्ट के लिए और प्रतापगढ़ है आंवला उत्पाद या खाद प्रसंस्करण, मऊ है वस्त्र उत्पाद के लिए, बरेली है जरी जरदोजी एवं बांस उत्पाद के लिए, जौनपुर है ऊनी कालीन या दरी के लिए, बदाऊं है जरी या जरदोजी के लिए, गाजीपुर है जूट बॉल या हैंगिंग के लिए, पीलीभीत है बांसुरी एवं लकड़ी उत्पाद के लिए, वाराणसी है बनारसी सिल्क साड़ी के लिए, शाहजहाँपुर है जरी जरदोजी के लिए, श्रावस्ती है जनजाति शिल्प, फतेहपुर है वेड सीट्स एवं आयरन फैब्रिकेशंस वर्क के लिए, शामली है लौह कला के लिए, कानपुर नगर चर्म उत्पाद के लिए, मुजफ्फरनगर गुड़ उत्पाद के लिए, टावा वस्त्र उत्पाद के लिए है और सहारनपुर है लकड़ी पर नक्काशी के लिए, और यह है खाद प्रसंस्करण देसी घी के लिए है, भदोही है कालीन के लिए, मिर्जापुर है कालीन एवं मेटल उद्योग के लिए, फरुखाबाद है ब्लॉक प्रिंटिंग या बस छपाई एवं जरी जरदोजी के लिए, सोनभद्र है कालीन दरी के लिए, कन्नौज है इत्र उत्पाद के लिए, उन्नाव है जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद के लिए, संबल है हस्तशिल्प और हॉर्न बोन के लिए, हराय बरेली है लकड़ी के शिल्प के लिए, अमरोहा है संगीत वाद्यंत्र ढोलक के लिए, सीतापुर है दरी के लिए, गाजियापुर है इंजीनियरिंग सामान के लिए, लखीमपुर खीरी है जनजाति शिल्प एवं गुड़ उत्पाद के लिए, बागपत है गृह सौंदर्य उत्पाद के लिए, हरदोई है हथकरघा के लिए, मेरठ है खेल का सामान, बिजनौर है लकड़ी पर नक्काशी काष्ठ कला के लिए, बुलंदशहर है चीनी मिट्टी के बर्तन सिरेमिक उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, रामपुर है पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क एवं मेथा के लिए, हापुड़ है घरेलू सजावटी सामान, मुरादाबाद है धातु शिल्प के लिए, संत कबीर नगर है पीतल के बर्तन, सिद्धार्थ नगर है काला नमक चावल के लिए, चित्रकूट है लकड़ी के खिलौने के लिए, बांदा है सजर पत्थर शिल्प के लिए, महोबा है गौर पत्थर शिल्प के लिए, हमीरपुर है चमड़े की जूती बनाता है और गोंडा है खाद प्रसंस्करण दाल के लिए, बलरामपुर है खाद प्रसंस्करण दाल के लिए, बहराज है गेहूं के डंठल और कलाकृतियां एवं खाद प्रसंस्करण के लिए, बाराबंकी है दुपट्टा टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, अयोध्या है गुड़ एवं जेगरी उत्पाद के लिए, अंबेडकर नगर है वस्त्र उत्पाद के लिए, कानपुर देहात है एल्युमिनियम के बर्तन के लिए, लखनऊ है चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए, बस्ती है काष्ठ शिल्प एवं सिरका उत्पाद के लिए, अमेठी है मूंज उत्पाद के लिए, सुल्तानपुर है मूंज उत्पाद के लिए और गोरखपुर है टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, कुशीनगर है केला रेसा उत्पाद के लिए, देवरिया सजावटी उत्पाद एवं कढ़ाई सिलाई उत्पाद के लिए, महाराजगंज है फर्नीचर के लिए, झांसी है सॉफ्ट टॉयज के लिए, जौलौन और हस्तनिर्मित कागज कला के लिए, ललितपुर है जरी सिल्क साड़ियां एवं खाद प्रसंस्करण के लिए, चंदौली है जरी जरदोजी एवं कला काला चावल के लिए। योजना का नाम और योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 30 सितंबर 2021, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2022 में, महिला सामर्थ्य योजना 2021-22 में, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना 2023 में, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना अक्टूबर 2021, मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना 2021 में, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना फरवरी 2018 में, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2018-19 में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना 2015-16 में स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 28-9-2017 में स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री ग्रामो उद्योग रोजगार योजना 2023 में स्टार्ट हुई थी, सामूहिक विवाह योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2017-18 में स्टार्ट हुई थी, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019 में स्टार्ट हुई थी, राज्य ग्रामीण पेयजल योजना 2016-17 में स्टार्ट हुई, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जुलाई 2013 में स्टार्ट हुई थी, मिशन परिवार विकास 24 अप्रैल 2017 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरी और पुंज योजना 2016-17 में स्टार्ट हुई, काना गौशाला एवं बेसारा पशु आश्रय योजना 2017 में स्टार्ट हुई थी, आदर्श नगर योजना 2020-21 में स्टार्ट हुई थी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना 2020 में, गणेश
शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना 2020 में, ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना 2020 में, जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम फरवरी 2018 में, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018-19 में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2017 में, जिला उद्योग केंद्र योजना 1978-79 में, वैज्ञानिक सम्मान योजना 2000 में, स्टार्ट मिशन शक्ति 2020 में, निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना 19 अगस्त 2021 में स्टार्ट हुई थी, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021 में, एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को, मुखबिर योजना 24 जनवरी 2017 को, दस्तक अभियान फरवरी 2018 में, किसान उदय योजना 2017 में, प्रकाश है तो विकास है योजना 2017 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017 में स्टार्ट, नया सवेरा योजना 2017